हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जागते रहने का सबब पूछ लिया, क्या कहीं टूट गया ख्वाब हमारा कोई। यही तारीफ है जमहूरी हुस्न की डीजे, हर बड़े ओहदे पे बैठा हो प्यारा कोई। मुबारक हो तुमको ये शादी, तुम्हारी केक भी नहीं हो रही है, हमारी जिनकी मशहूर थी दूरंदेशियां भुगत रहे हैं पेशियां। सुनेंगे केस और भी, हम तशरीफ ला रहे हैं वासे चौधरी। देखने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? लेकिन वासे भाई क्या कहते हैं, कैजुअल कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? कैजुअल कैजुअलिटी, वो जो भी है। आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया करें। पढ़ाएंगे मुझे? जी बिल्कुल। इंग्लिश आती है आपको? जी बिल्कुल। पूरे खानदान जो सिर्फ हिना आप पढ़ी है सिर्फ? अच्छा, बाकी सारी फैमिली 6 × 15 कहती है। मेरे घर में सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है? कितने सब पढ़े लिखे हैं। पैंट कोट पा के ते साग और रोटी ते पा घर जा, मजा आ गया। जी मेरे तीन भरा ने। अच्छा जी। तिने पढ़े लिखे ने? अच्छा जी। एक ने पीएचडी की थी, एक ने डबल एमए की था, एक लोगों ने लड़दा ही रहिंदा। फिर मैं कहूं उन्हें घरों क्यों नहीं कटदे? कहंदे वाह जिहड़ा कमांदा उन्हें घरों कट दिए। पढ़े लिखे ने काफी ज्यादा। और पापा ने क्या किया है? आपको पता है अब्बू भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है? क्या पढ़े? वो लिखे तायाबू बताए। मेरे तायाबू के 6 पैक है, 3 फिल्में है। फिर लोग ऑटोग्राफ नहीं लेते। मेरे ख्याल से अपने आज के मेहमानों को बुलाते हैं जिनका आप यही कहना है कि फिर एक बारी यानी कि शेर। yes. हमारे पहले मेहमान ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनका एमपी है पंजाब असेंबली के अंदर। आप सबकी तालियों में करम इलाही बंदियाल। दूसरे मेहमान खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हुई हैं, थिएटर से आगाज किया और उसके बाद वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी रही, माइम आर्टिस्ट भी हैं और अब एक्ट्रेस भी हैं। आपने रिसेंटली उनको फिल्म के अंदर भी देखा मान जाओ ना में। आप सब की तालियों में मोहतरमा हाजरा यामीन। मेहमान माशाल्लाह बड़े ऑनरेबल हैं। जी, जी जी। और एक शेर में लाया हूं सर, मिक्स फ्रूट चाट बना के। इरशाद अच्छा। के इलेक्शनों के बादल खड़खड़ा गए। इलेक्शनों के बादल खड़खड़ा गए और जलसों के स्पीकर लड़खड़ा गए। और मैडम आपके लिए है कि फिल्मों के पोस्टर लग लगा गए, क्योंकि आज मजाक रात में हाजरा जी और बंदियाल साहब। ये बात एकदम बढ़िया। हाँ वैसे भाई मेरा तो नून लीग शेर है आज। जी जी। हाँ जी, इनके प्यार में एक शेर है। हो जाए हो जाए। देख तेरी चौखट पे तेरे प्यार का पानी भर रहे हैं। अरे वाह यार क्या अच्छी बात है। तेरी चौखट पे तेरे प्यार का पानी भर रहे हैं। दो मर्तबा नाहल होने वाले आजकल क्या कर रहे हैं? वो तो हमें पता है कि आजकल क्या कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है बंदियाल साहब कि आपका ताल्लुक जिला खुशाब से है। जी। सर तो ये बताइए क्या खुशाब के अंदर जो आपके वोटर्स हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्या उनसे वो तारीखी सवाल पूछा गया जो कि बाकी पाकिस्तानियों के भी हिस्से में आ रहा है आजकल? देखें जी, बात ये है कि जैसे इन्होंने फरमाया है कि जी नायली वाले क्या कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये नायली नायली नहीं है। और फिर जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, रिसेंटली सरगोधा का आपने देख लिया, जी जी, लोधरा का आपने देख लिया, आवाम में तो मेरा ख्याल है इसको कबूल नहीं किया। मगर ये बताइए कि क्या आपके इलाके में मियाँ साहब आए?
पहले आए थे, अभी नहीं। यानी कि अभी जब रीसेंट टाइम्स में आके उन्होंने वो सवाल नहीं उठाया आपके लोगों से? नहीं, अभी नहीं आए। तो आपने दावत दी है कि आए हमारे लोगों से ये पूछे कि मुझे क्यों निकाला? आएंगे इंशाल्लाह, चूंकि अब हमारा भी तो अब सीजन शुरू होने वाला है। सीजन सीजन शुरू ना, 2018 ताड़ियां छलियां बहुत बिकन गई। सीजन है ना जी, ये भी सीजन ही है। ये भी सीजन है, सही है, एक तरह से सीजन तो आ रहा है। ये बड़ा बड़ा टफ सीजन होता है। बड़ा टफ सीजन है बिल्कुल, इस बार तो गर्मियों में सीजन लग रहा है। 5 साल के बाद फसल देनी होती है इन्होंने। बिल्कुल, देखो तो सीजन च बल्ले बिकते या शेर बिकता जी? नहीं, बल्ले नहीं बिकते जी। अच्छा जी, बल्ले का टाइम गुजर गया। हजे आया कदों सर? आपने वो आया था एक दफा, तो हमने भी सोचा। अच्छा, कि जैसे भुट्टो साहब तशरीफ लाए थे ना, तो एक माहौल बना था। और वाकई मतलब मैं चूंकि उस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन एक माहौल बना था कि जी वाकई ये कुछ करके दिखाएंगे। सर बल्ले दी बादुआ ना लवो, नवे नवेले दूल्हे दी कदी बादुआ नहीं लगी। मगर अजय, इन्होंने कहा कि इन लोगों का सीजन आ रहा है, एक्टर्स का कोई सीजन होता है क्या? नहीं नहीं, आई थिंक वो जनरली ही एक चीज है, ऐसा कोई सीजन नहीं होता, हमारा तो हर वक्त काम चलता है। थिएटर से आगाज किया आपने जी, ये एक बड़ी अच्छी चीज थी, क्योंकि यू डोंट फाइंड अ लॉट ऑफ एक्टर्स एंड स्पेशली फीमेल एक्ट्रेसेस जो कि अब फिल्म तक में काम कर रही हो और उनका आगाज थिएटर से हुआ हो, सो यू गॉट द बेसिक्स राइट। सर मैं अभी भी थिएटर करती हूँ। अभी भी थिएटर करती हैं? I'm first a theater actor and then I'm a TV actor or a film actor. ये बड़ी कमाल बात है हजरा कि आप अभी तक कंटिन्यू कर रही हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि आप फिल्म भी कर चुकी हुई हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप टीवी शुरू कर देते हैं तो फिर इतना उसके ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी है कि थिएटर काइंड ऑफ फॉल्स बैक। और बेसिकली एक स्कूल है और वहाँ पे वापस जाना होता है लर्निंग के लिए, बिकॉज टीवी की एक्टिंग आप फिल्म में नहीं कर सकते, फिल्म की एक्टिंग आप टीवी में नहीं कर सकते, तो थिएटर जो है वो इन दोनों चीज़ों का बेसिक है और थिएटर फिल्म के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है बेसिकली। तो थिएटर अगर अच्छा एक्टर बनना है तो थिएटर में वापस जाना पड़ता है। अच्छा, जो आपने वो फिल्म की थी मान जानो, उसमें एक गुजर का रोल जिसने किया था, वो उस लड़के का नाम क्या था? नहीं, पायनोमो दे बुलाओ के थे। कैसे मान जाओ ना जी, तो कैसे मानी थी आप? मैं कराची उस वक्त शिफ्ट हुई थी, तो मैं थिएटर के लिए ही आई थी यहाँ पे, एक थिएटर प्ले के लिए आई थी, बट काफ़ी लोगों ने कहा कि यू शुड ट्राई योर लक इन टीवी एंड फिल्म्स, तो ऐसी मुझे कॉल आई एक बार क्रू फिल्म से, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट करके देखते हैं कि पाकिस्तान में फिल्में बनती कैसे। बड़ी कमर्शियल फिल्म की आपने। काफी कमर्शियल फिल्म थी, यस। तो ये एक अच्छी बात है कि यूजुअली कई बार ये भी होता है पाकिस्तान में, देखा कि जो बहुत जबरदस्त सीजन थिएटर एक्टर्स रहे हैं वो थोड़ा कतराते हैं कमर्शियल फिल्म करने से, यूजुअली गो फॉर आर्ट साइड या अल्टरनेटिव। मेरी प्रायोरिटी वही होती है, बट ये कि इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज अ न्यू एक्टर, वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि कैसे काम करना है। और एंड वर यू हैप्पी आफ्टर द आउटकम? आई एम, मतलब एज लॉन्ग एज द पीपल आर लाइकिंग इट आई एम फाइन विद इट। नहीं, आपका पर्सनली एज एन एक्टर आपको वो तो नहीं हुआ? पर्सनली एज एन एक्टर आई वुड लाइक टू डू मोर, आई वुड लाइक टू डू समथिंग दैट्स मोर चैलेंजिंग। दिस वाज नॉट चैलेंजिंग इनफ? नो इट वाज, बिकॉज़ इट वाज माय फर्स्ट टाइम एज अ फिल्म एक्टर। चैलेंज हुआ ना पहली बार? तो वो चैलेंज बोली जा रहे, प्रोग्राम डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं। सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये है कि नहीं, आप उर्दू में बात करिए, ये भी उर्दू में करेंगे आप। लेकिन आप बहुत प्यारी हैं, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, आप करिए। नहीं प्लीज, कैरी ऑन कैरी ऑन, यू कैन गो। सर आप भी कोई फिल्म वगैरह देखते हैं? बहुत कम, बहुत कम। कोई टीवी, फिल्म, म्यूजिक, खबरनामा या कोई खबरनामा और इस तरह के खबरें ही सुन लेते हैं या का प्रोग्राम। उसके अलावा पाकिस्तान में बड़ा कुछ हो रहा है, देखे तो सही हमें। फिल्में जी मैं बहुत कम ही देखता हूँ। जवानी में देखते थे या नहीं देखते थे, कॉलेज के दिनों में? हाँ वो देखते थे। और उस वक्त क्यों देखते थे? उस वक्त जवानी थी, टाइम था। इतना टाइम है ना जवानी है? नहीं तो अब ये जी अब टाइम ही नहीं मिलता। कभी कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा कोई? सर मशगला कोई है सियासत के अलावा? कभी आपका दिल हो के अच्छा यार ये अब जरा बहुत मैंने आज। मैं जमींदारा करता हूँ जी, शौक से। जमींदारा शौक से करते हैं? ट्राली दे दस दियो, को टेप लाई होवे तुसी? टेप तो लाई रखी दी है ना। किसको सुनते हैं, किसका शौक सुनते हैं गाना? सर मैं पंजाबी गाने पसंद करता हूँ, नूरजहान के, नूरजहान जी के, और गजलें मेहदी हसन की। अच्छा ये देखे ना, आखिर निकल रहा है अंदर से कि नूरजहान और मेहदी हसन साहब के फैन हैं। आखिर हम भी दिल रखते हैं जी। क्या बात है, ये सानू ना कहो, नैब वाले नु कहो, नैब वाले साडे नजदीक नहीं है। सर तो ये दिल जो है ये जवानी के जमाने में भी रखते थे? जाहिर है जी। और सर ये तो पैदाइशी है ना, पैदाइशी है। तो ये सर कौन आपके कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस थे
कॉलेज के जमाने में? सर इस तरह तो कोई नहीं है। सर मैंने घर भी जाना है, एक्टर को पूछ लेंगे तो बता दो। सर जो आपने कॉलेज के जमाने में एक्टर एक्टर होंगे उनको कोई नहीं पूछेगा, आपके घर वाले भी नहीं उसको पूछेंगे कि वो क्यों आपने नाम लिया उनका। आप दिल खोल के कहें पंजाबी फिल्में देख लिया सर कोई? अंजुमन जी किसी? हाँ अंजुमन हो गई और सुल्तान राय की फिल्में हैं। अच्छा हाँ जी, बल्कि मैं अपने जलसों में भी तकारीर जो मेरी होती है वो सारी मैं पंजाबी में करता हूँ, मुझे पंजाबी पसंद है। सुल्तान राय के स्टाइल में? वो बिल्कुल ऐसा ही स्टाइल, सुल्तान राय के स्टाइल में ऐसा ही स्टाइल। सर अंजुमन नु अच्छा भी नहीं समझते ना? क्यों? एक खेती बड़ी करके फसलां बनांदे सन, नच के बर्बाद कर जांदे सन। यार ये बात तुमने तब तो ना की जब अंजुमन जी आई हुई थी। हाँ नहीं उस वक्त मैं मार खानी थी। ये यार गलत बात है ये तो। वैसे आपकी बात पे ना कोई ताली नहीं बजी मेरा ख्याल। पसंद नहीं की। वैसे हाजरा आप प्रोग्राम देखती हैं? जी नॉट रेगुलरली, लेकिन मेरे पेरेंट्स भी बहुत शौक से देखते हैं तो जब वो देखते हैं। माशाल्लाह एक बार मैं बड़ा मशकूर हूँ इस बात पे बहुत से पाकिस्तानी लोगों का कि जब भी हमें मिलते हैं तो हमेशा जो भी मिले उसके ये जरूर होता है कि मेरे पेरेंट्स आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं।, देखते हैं और ये चीज़ मैंने आजमाई है 10 साल के बच्चों के ऊपर भी और 60 ईयर ओल्ड्स के ऊपर भी कि वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स आपका बहुत शौक से देखते हैं प्रोग्राम्स। तो मैं बहुत मशकूर हूँ तहे दिल से उन तमाम पेरेंट्स का जो कि देखते हैं और किसी ना किसी तरह इसी बहाने चाहे मजबूरी में चाहे जबरदस्ती उनके बच्चे भी देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम क्योंकि अम्मा अब्बा ने टीवी चैनल लगाया होता है। नहीं इट्स एक्चुअली रियली फन प्रोग्राम, तो सारी फैमिली बैठ के देख सकती है। आपकी शादी हुई? नहीं सर। ओह थैंक्स गॉड। वो कर गए तो ओह थैंक्स गॉड। वो के आपका बनता है थैंक्स गॉड, इनका बनता है ओह माय गॉड। हर वक्त फिक्र मर गया गरीब आना चाहिए, हाँ सैर सपाटे पे मगर जाना चाहिए। माना के एक से बड़े हैं एक रन मुरीद, माँ बाप के भी पाँव को दबाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि आ जाए जो मेहमान, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। रेडी स्टडी गो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? 1000 ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੇ ਖਰਚ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। वेलकम बैक टू मजाक रात। सर ये बताएं आपकी शादी थी लव मैरिज थी अरेंज? कजन मैरिज। कजन मैरिज, अरे वाह। और आप बताइए कि आप माशाल्लाह इतने पुराने सियासतदान हैं, आपकी फैमिली भी सियासत के अंदर रही है, यू योरसेल्फ आर एन एमपीए। आप बताएं कि आप भी वैसे ही शौहर हैं जैसे हम लोग हैं या कोई डिफरेंट होता है? आप लोग कैसे डरे हुए? गाँव की साइकी मुख्तलिफ होती है। अच्छा हम जरा रोब दब दबा रखते हैं। अच्छा ओहो ये तो गलत हो गया, गांव में करनी चाहिए थी फिर। हम तो वैसे यहाँ पे अजीब नून लीगे से फील करते हैं हर वक्त। मगर सर वैसे आपके ख्याल में क्यों इतने शोहर क्यों डरते हैं अपनी बीवियों से? मैं तो नहीं डरता जी, ना मेरे वाले साहब डरते थे। तो मतलब अब मुझे नहीं पता कि क्यों डरते हैं। ये फिनोमेना से आप बिल्कुल वाकिफ ही नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। आप बताइए सर। घबराइए नहीं, बताइए। लुक आप डरते हैं? हाँ जी। बस भाई आप? जी सर। आप भी डरते होंगे? लेकिन एक दफा ना जी मेरे वाले साहब मेरे से नाराज हुए तो उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि ये अपनी बीवी के थले लगाओ। आप बताइए क्यों आपके ख्याल में शौहर इतने डरते हैं बीवियों से? मुझे नहीं पता, मगर आप अंदाजा क्या आपका होगा? अच्छा ये वैसे एक जनरल ओपिनियन है। तो यू नो यू आर नॉट मैरिड, तो आप तो खुद के बोल रहे हैं, किसी को जज नहीं करें। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ ख्वातीन जो होती हैं मेंटली वो ज़्यादा मशहूर होती हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि सही गलत की पहचान जो होती है वो आई थिंक वो बिकॉज ख्वातीन की इंट्यूशन जो है उनकी सिक्स सेंस बिकॉज वो ज़्यादा शार्प होती है तो उनको जल्दी हो जाती है। पर तो आपके ख्याल में ख्वातीन की इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है डेफिनेटली, जिसकी वजह से उनको सही और गलत की पहचान जल्दी हो जाती है। देखिए ये मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि ख्वातीन की ही होती है क्योंकि मर्दों की भी हो सकती है। बिकॉज़ यू आर अ वुमन सो यू आर टेलिंग योर पर्सपेक्टिव। मेरी है कि आपके ख्याल में उनको सही और गलत की पहचान जल्दी होती है? होती है। तो आपके ख्याल में इनकी वाइफ को अभी तक पहचान हुई है कि नहीं हुई है? नो नो मैं तो नहीं अपनी बेगम को डरता, जो गुस्से चाहती मैं अंदर वड़ के कुंडी ला लेना। तो इस वजह से हम लोग क्यों डरते हैं? Probably because कुछ लोग होते हैं जो सच का सामना करने से डरते हैं, कुछ ऐसी कुछ लोग नहीं बहुत सारे, सारे लोग 50% पाकिस्तान की आबादी के मर्द होते हैं। पता नहीं केड़े खावन दे बीवियों को डरते ने, असि तो रोज मार खा के सोईदा। डरी दा नहीं अगे बोली दा दे। अच्छा हाँ जी। नहीं तो हुणे तुसी कहा कि मैं ते शादी नहीं की थी, किसी होर दी बीवी ने तुहानू मार दी। Yeah, I'm in the car now.
I'm fine, how are you? You know, it's a very hard life in Pakistan. Oh, yeah, it is. Ek time di labdi hai, dooje time di labdi nahi. I know. So what should I do? Main bhi insaan hai, main bhi jeena chahna. You know, the 40,000 loan de rahi hai government of Pakistan. Oh, koi mil mila ke mainu bhi lai deo. Main academy bana ke te utthe kise kol gaana sikh lama. So, pehli baat ye hai ki itne mein koi academy nahi banegi. Dusra, jab academy banate hain, to aap seekhte nahi, sikhate hain. नहीं तो मैं उस्ताद रखांगा ना क्योंकि मैनू भी हले पूरा शुरू ही आंदा है वो आपको जितना आता है हमें पता है मगर मेरे ख्याल से यहाँ जो हमारे मेहमान है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस मामले ओ, में आई डों सर रुको मुझे इंट्रोडक्शन करा लेने दो ओके ओके ठीक है ये सर फैबुलस जॉन फेरी हैं ये वाहिद अमेरिकन है जो कि सड़कों पर रुल रहा है पाकिस्तान की यस तो आपकी मैं तारुफ कराता चलूं सर जो है वो एमपी हैं पॉलिटिशियन ओके जिए जिए भुट्टो बेनजीर जिए जिए ये वो वाले नहीं है जदों आएगा इमरान करेंगे तेरे जान बनेगा नया पाक ये नए पाकिस्तान वाले नहीं है पुराने वाले पाकिस्तान में से वो मैंने शक है ऐसी मैं क्या फिर भी ट्राई तो करा शायद टुका लग जावे टुका नहीं लगा ये उनके दिल को लगा गाना ओके शेर वाले नहीं शेर वाले मियां दे नारे वजने ही जी दोबारा रंग सजने जी मियां दे नारे वजने ही एक मिनट ठहरो आहो इलेक्शन आ रहा है कुछ सदका सुदका भी दियो अभी जितन वास्ते कुछ ना कुछ तो करना पैंदा है मियां दे नारे वजने जी दोबारा रंग सजने जी जो नपाओ वो टपाओ ओ वो टपा के ते शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने जी उन्होंने ओदे च चाह ठंडी करके पीनी मेरे दिल लगा पैसे नहीं देने ना तो टोपी ते ना लेके जाओ मैं के इज्जत दी चीज है नु थल्ले ना रख देखया कैसी अच्छी गल की थी गल्ला सिर्फ कर देने पैसे पूछे नहीं तेनू किसी ने गल की अपने आप जिवें फिरौन दा मुंशी हुंदा केरी पार्टी देने मैडम जो है वो फनकार पार्टी से ओ एक्टर बड़े हसास होंदे ने यस इनां दे दिल बड़े नरम होंदे ने मैं तुहानू एक गाना डेडिकेट करना जी ओ गड्डी तू मंगा दे तेर मैं पुआनिया गड्डी तू मंगा दे तेर मैं पुआनिया तेरे 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 गाडे ते मैं जानी जानी आ जे मैं तेरे नाल रवां ते मैं राजी रहनी आ गड डोंट वरी अबाउट अ थिंग बट एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट राइज अप दिस मॉर्निंग माय लिप्स आर राइजिंग स्वीट बट गड्डी तू मंगा दे तेर मैं पुआनिया गड्डी तू मंगा दे खर्च फिर गुडनेस जोराबाद खुशाब सुन सके सर उछाली मैं सारे पासे भाईरों की सिक्योरिटी की थी अच्छा बड़े नफीस आदमी ने कौन ने यार वेलकम बैक टू मजाक रात हाजरा वोट वगैरह डालती हैं जी अच्छा और जिस पार्टी को डाला था वो जीती नहीं इस साल भी वोट डालने का है प्रोग्राम शायद मैं ना ही डालू वोट शायद मेरा इरादा ही खत्म हो क्यों आई थिंक आई डोंट जनरली ट्रस्ट द सिस्टम द पॉलिटिकल सिस्टम या सर ये तो यूथ जो है वो कुछ कंफ्यूज सा हो गया पता नहीं अब कराची आपने वोट डाला नहीं पिंडी में सर पिंडी में
شیخ رشید کو کہیں نہ ڈال دی. نہیں سر, نثار علی خان کو. ویسے نثار علی خان سے زیادہ ہے, کیا حال ہے ان کے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. کدھر ہیں آج کل؟ پنڈی میں ہوتے ہیں. ملاقات وغیرہ نہیں ہوتی؟ بہت کم, ایک آدھ دفعہ. چاہیں گے ان سے ملنا؟ ہاں کیوں نہیں. زیادہ سارا وہ نہیں نہ چاہ رہے, مگر نہیں نہیں وہ بھی چاہیں گے, وہ بھی چاہیں, وہ بھی چاہیں گے. آپ کو لگتا ہے؟ میرا نہیں خیال جی کوئی ایشو جتنا ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے اتنا ہے نہیں, وہ پارٹی کے اندر ہی ہیں. پارٹی میں ویسے جو پارٹی میں آپ کی تبدیلی آئی ہے اس سے آپ خوش ہیں؟ کون سی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی. نہیں, آپ کا صدر ہی بدل گیا, آپ کہہ رہے تبدیلی نہیں آئی. نہیں جی, یہ وہی ہیں, ہمارے صدر بھی وہی ہیں, پارٹی ہیڈ بھی وہی ہیں. نہیں نہیں, صدر تو آپ کے شہباز شریف صاحب ہیں. نہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, لیکن پارٹی کا جو سارا منبع ہے وہ میاں نواز شریف ہیں. وہ کاغذی نہیں, وہ فرضی نہیں. شہباز شریف صاحب اوپر چلے گئے اسلام آباد کی طرف اور پرائم منسٹر بن گئے, اگر آپ لوگ الیکشن جیتتے ہیں تو پنجاب کے اندر کیا ہوگا پھر؟ پنجاب کے اندر پھر پارٹی ڈیسیژن کرتی ہے نا. آپ کو ویسے کیا لگتا ہے, یو نو یو ہیو بین ود دی پارٹی اور اتنے عرصے سے آپ سیاست میں پنجاب کی ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس میں نہیں آ رہا؟ ویسے نہیں, ظاہری بات ہے جاتی عمرہ سے نہیں نکل رہی بات, آپ تو پھر خوش آپ بیٹھے ہوئے ہیں, مگر ویسے کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہوگا؟ انہوں نے جتنے پول بنائے سارے اسلام آباد لے جائیں گے. نوٹس آ گیا برا نرگولی, اللہ دیا بندیا میں حیران ہو گیا, انٹروگیشن نوٹس آ گیا میرے گھر تے, رونے پی گئے. اوئے میں جدوں دسیا بھی انٹروگیشن دا لیٹر آ گیا, وہ میری بیوی بیچاری سویرے سویرے اٹھی منڈی گئی, اوتھے 4,500 روپے دا کالا چھوٹا جا بکرا لیاندا صدقے دا, وہ میرے تو وار کے تے میری ساس نو بھیجیا. اچھا, اس پھر پکا کے واپس ساڈے ال بھیجیا, وہ پھر روٹی شوٹی کھا کے پریشان میں ہو گیا. پھر میں سوچیا بھائی جدو سارے میاں پیش ہو رہے نے تے تینوں کی موت پیندی, میں کہ میاں افضل نرگولی اٹھ. اٹھ گیا جی, تیار ہو کے نیب پہنچ گیا, انہیں کہا ہاں بھائی اساسے بتائے جائیں. اچھا, میں کہا سر ایک نائٹ سوٹ ہے جڑا میں پا کے سونا. اچھا, باقی وردی ہے, میرے کو تے شلوار قمیض کوئی نہیں, میں تو خوشی غمی تے بھی نہیں جا سکتا. میں کہندے نے پھر کی لینا آیا, میں کہا سر انٹروگیشن لیٹر آیا, کہندا یہ تے ایریگیشن لکھے, انٹروگیشن تے لکھے نہیں. ایریگیشن, ایریگیشن دا لیٹر سی, مگر آپ کو تو نیب. نہیں نہیں, محکمہ نہر نہر نے بلایا, سر میں انہاں دا الیکشن دے وچ سارا نظام چلایا سمنا باد. ارے نہیں ہے یار صادق, نہیں ہے یار, نہیں 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 نہیں, آئی ایم سوری, اے میں کدھر ویکھے تے ہوئے نے. اے کانسی چونسی چالی ہیں؟ اچھا, کانسی چونسی چالی ہے نا, ان سے پوچھو نا. مائی گڈنس, جور آباد خوشاب سون سکے سر اچھالی. میں سارے پاسے بھائیوں نے سکوٹی کی تھی. اچھا, بڑے نفیس آدمی نے. کون نے یار؟ اللہ دے بندے تہاڈا امتحان لے رہے ہاں, میں تے بہت اچھی طرح جاننا. ہاں, او بڑی نائس فیملی ہے گی. ہاں, اپنا کی گل کر رہے ہیں؟ آ جنہ ڈھوڈا مشہور ہے اونے ہی بھائی جانوں بھی مشہور نے. اچھا, بندیال صاحب. یس, میں کہنا جی ایسا کمال الیکشن لڑ دے نے, پھٹے باندھے نے, اوئے ہوئے ہوئے, سارے تے مقدمے ہون گے. اے نہ تے نہیں ہو سکدا. کیوں؟ ہاں, ثبوت رہنے نہیں دیندے. اوے یار, تو میں پیار کی پجارن ہے ڈراما سی نا. اے ماشاء اللہ, پیدائش ملتان, رہائش راول پنڈی, تے ریکارڈنگ کراچی. ہاں, حاجرہ بے میڈم. ہاں ہاں, اپنا فلم بھی انہوں نے اکائی سی, مان جاؤ نا. بالکل, ماں چلتے. اپنا فلم کیسے گئی؟ اچھی جا رہی ہے. اوہ بڑا راش سی, میں گیا سا. اچھا, ہاں میں نے ٹکٹ ملی. ہاں, کیونکہ میں کلا سا, انہوں نے کہا کلے بندے واسطے کیوں چلائیے. او یار, سر میں انہوں نے بڑا کیا, مان جاؤ نا. انہوں
उन्होंने कहा नहीं मैं चलो कोई गल नहीं बहर कि बड़ी गल है फिल्म बन रही ये बन दया रह माहौल बनेगा ना बिल्कुल अपना मेरी लत्त कितने ने यही है हाँ उ मैं कह रहा भी सवेरे पेंट च मैं वाड़िया तो है ने अपना एक फोटो लेनी यार किन के साथ अब मेरी बड़ी फेवरेट शख्सियत अरे फिर तो आप बिंदयाल साहब इजाजत है सर अल्लाह दया वाले इधर तस्वीर ले ले तस्वीर की इजाजत दी है तो कह रहे ने नहीं नहीं उन्होंने कहा कि तस्वीर लेनी अच्छा अच्छा सर थैंक यू बड़े अरसे तो मैं थोड़ा इंतजार करना मैं कि तुसी जदों आओगे ना जी फिर मैं थोड़े बहाने उन्हां दी फोटो बना ला शर्मिला फारूकी साहिबा को ब्लैक रोज दिया गया है और रेड रोज किसको देना चाहेंगे जाहिर है कश्माला को वेलकम बैक टू मजाक रात जी मैडम अजीब और गरीब क्या है पहली खबर है डकोटा से जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि टमाटरों को खाने में इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा बहुत सी खवातीन जो हैं खूबसूरत नजर आने के लिए भी टमाटरों का इस्तेमाल करती हैं लेकिन अब माहिरीन का कहना है कि गले सड़े टमाटरों को ज़ाया करने की बजाय इनसे बिजली बनाई जा सकती है क्योंकि टमाटरों में कुदरती तौर पर एक ऐसा एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइकोपीन और लाइकोपीन बिजली बनाने के लिए कारामद साबित होता है वासे भाई देखो वो लोग टमाटर ना बिजली बना रहे ने असी टमाटर हांडी से ज्यादा पा हांडी खराब कर लेने सही गल है इतने टमाटर ना बिजली बनने लग पे बड़ा फायदा हो जाना की सिर्फ पिज्जा लिया कैचअप की जगह तो बल्ब नू ला ला खाई जाना बस वही है चाइना ने जड़ियाँ गड्डियाँ बनाइया उस बैटरी थी नहीं रखी दो दो टमाटर रखे ने ये तो वो बात है वासे भाई जो पुराने जमाने में कहते थे कि भाई पानी में से बिजली तो निकाल ली है अब पानी में ताजगी नहीं रही अब कहेंगे कि टमाटरों में से बिजली तो निकाल ली है भाई हांडी में जायका कैसे आए सब्जी वाली दुकान पे जाकर ना 10 किलो टमाटर दे दो ना कहने इन्ने की करने ओ यार यूपीएस खराब हो गया ना बस दो पखे चलाने ना बंजाल साहब हाजरा हमारा एक सेगमेंट होता है 2020 का जी। तो पहले किससे स्टार्ट करें सर बताएं लेडीज अच्छा जी लें जी उन्होंने कह दिया लेडीज फर्स्ट होना चाहिए हाजरा जी ये बताइए फिल्म देखने जा रही हैं दो टिकट्स आपके पास हैं एक टिकट तो आपकी अपनी है दूसरे टिकट पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं इनमें से किसको साथ लेके जाना चाहेंगी आप जो ऑप्शन आपके पास हैं वो शरियार मुनव्वर उस्मान खालिद भट्ट या फिर इमरान अब्बास मुलाकात भी हुई है बिकॉज ऑफ थिएटर अच्छा तो मे बी ठीक है आपने खुद कॉफी बनाई है अपने हाथ से और अब आप कॉफी पर इन्वाइट कर सकती हैं इनमें से किसी एक को तो इनमें से किसको आप इन्वाइट करना चाहेंगी जो ऑप्शन आपके पास है वो है अहद रजा मीर फवाद खान और हमजा अली अब्बासी फवाद खान क्यों I really like his work. अच्छा तो यहाँ पे भी एक इस्लामाबाद का लड़का बीच में था हमजा बासी कौन? मैं उनको नहीं जानती मगर आपने उनको इस्लामाबाद का एडवांटेज ना दिया मुझे फवाद खान का काम बहुत पसंद है हमजा बासी के काम आपको नहीं अच्छा लगता मैंने उनका काम इतना देखा नहीं है फवाद खान का देखा है आपको पता है कि वो क्यों मशहूर है नहर ते तरबूज भेज दे आप ये बताएं तीन गुलाब के फूल हैं आपके पास व्हाइट ब्लैक एंड रेड इनमें से किसको कौन सा फूल देना चाहेंगी आप जो ऑप्शन आपके पास है वो है हानि आमिर हिना अल्ताफ और सरवत गिलानी तो इनमें से किसको आप देना चाहेंगे व्हाइट रोज हिना रेड रोज किसको देना चाहेंगे सरवत और ब्लैक रोज आई वुडंट गिव द ब्लैक रोज टू एनीबॉडी आई विल गिव इट टू माय सेल्फ तो या आप जनरल नॉलेज का सवाल पिक कर सकती हैं हां जनरल नॉलेज मैडम मुझे ये बताइए इलामा इकबाल ने वफात कब पाई थी आई विल गिव द ब्लैक रोज टू समबडी तीनों में से किसी एक को ब्लैक रोज दे दो हानि आमिर हां हानि आमिर को आपने काला गुलाब देना चाहा जो कि अगेन आपके शहर इस्लामाबाद की है ये बता दें आखिरी सवाल है आपके पास इनमें से किसके साथ आप एक साल के अंदर अंदर काम करना चाहेंगे किसके साथ दो साल के अंदर अंदर और किसके साथ काम ना भी करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा जो नाम आपके पास है वो है फहद मुस्तफ़ा एहसन खान और हुमायूं सईद तो एक साल के अंदर अंदर किसके साथ काम करना चाहेंगे फहद भाई फहद मुस्तफा फहद के साथ एक साल के अंदर अंदर काम दो साल के अंदर अंदर किसके साथ काम करना चाहेंगे हुमायूं सईद और किसके साथ काम ना भी करे तो खास फर्क नहीं पड़ता जो एक नाम बच गया है किसका नाम है एहसन खान बहुत सारी तालियां मैडम के लिए करम साहब एक सहरा में जाते हैं आपके पास पानी की एक बॉटल है और आप देखते हैं कुछ लोग सहरा के अंदर प्यास से बिलबिला रहे हैं इनमें से किसको आप वो अपनी पानी की बोतल देंगे जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं शेख रशीद कायम अली शाह परवेज खटक कायम अली शाह तो खास वजह उन्हें थोड़ा पीना होता ना यार सर ये बताइए आपके पास भी तीन गुलाब के फूल हैं रेड वाइट एंड ब्लैक
ان میں سے کن کو آپ کون سا پھول دینا چاہیں گے؟ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں کشمالہ طارق صاحبہ، اندلیپ عباس صاحبہ اور شرمیلا فاروقی صاحبہ. تو کس کو دینا چاہیں گے آپ سر؟ وائٹ روز. تو درمیان میں جو آپشن ہے ان کو وائٹ، اندلیپ عباس پی ٹی آئی کی جو ہیں ان کو وائٹ روز. جی ٹھیک ہے سر. بلیک روز کس کو دینا چاہیں گے آپ؟ وہ فاروقی صاحبہ. شرمیلا فاروقی صاحبہ کو بلیک روز دیا گیا ہے. اور ریڈ روز کس کو دینا چاہیں گے؟ ظاہر ہے کشمالہ کو دینا. میں آپ کو دو دو نام بتاؤں گا. آپ نے مجھے کرم الہی بندیال کی پریفرنس بتانی ہے پرسنالٹی وائز، جو ان کو پرسنلی زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے سر. قائم علی شاہ یا مراد علی شاہ؟ قائم علی شاہ. عبد القدوس بزنجو یا پرویز خٹک صاحب؟ بزنجو سر. نثار علی خان یا پھر رانا ثناء اللہ؟ نثار علی خان. عابد شیر علی یا پھر احسن اقبال صاحب؟ احسن اقبال صاحب. سر تعلیم یا پھر سڑکیں؟ تعلیم. آصف زرداری صاحب یا پھر عمران خان صاحب؟ زرداری صاحب گیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے زرداری صاحب. ٹھیک ہے بھائی، سیاست کے بیس پہ انہوں نے چوز کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں. سر آخری سوال پوچھنے جا رہا ہوں آپ سے، حمزہ شہباز یا پھر مریم نواز صاحبہ؟ حمزہ صاحب. حمزہ صاحب بہت ساری تالیاں بنجال صاحب. بنجال صاحب تھینک یو سو مچ، حاجرہ تھینک یو سو مچ، اینڈ بیسٹ آف لک فار یور کیریئر. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ.